कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो हमें इस टाइप का मिल सकता है. आपको यहाँ पे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड के व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. अब हमने कंटिन्यूटी के बेसिक क्वेश्चन तो देखे जो प्रीवियस हमने क्लास में देखा था. कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस वो बेसिकली क्वेश्चन थे जहाँ पे हमें किसी फंक्शन को चेक करना था कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. यहाँ पे हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और मुझे इस k की वैल्यू निकालनी है या फिर इस k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये हमें बहुत इजी लगेगा. इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे करना है. देखिए कंटिन्यूटी के लिए हमने कंडीशन क्या लिखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट, है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे x टेंड्स टू a नेगेटिव, x टेंड्स टू a पॉजिटिव और यहाँ पे एफ ए, ये तीन चीज़ जब इक्वल होती हैं तब मैं फंक्शन को कंटिन्यूस बोलता हूँ. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए. ये हमारी कंडीशन हो गई. अगर x टेंड्स टू a फंक्शन की वैल्यू लिमिट एफ एक्स की लिमिट जब x टेंड्स टू a है वो लिमिट अगर एफ ए के इक्वल हो जाती है तो मैं उसको कंटिन्यूस बोलूँगा. ठीक है, अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. अब जब x टेंडिंग टू माइनस वन, इसमें यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x इज टेंडिंग टू माइनस वन एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू f, कहाँ पे चेक करना है मुझे, माइनस वन पे. अब मुझे देखना है x टेंडिंग टू माइनस वन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी. x टेंडिंग टू माइनस वन का मतलब है x माइनस वन के पास पहुँच रहा है, इसका मतलब x जो है एग्जैक्टली वन माइनस वन नहीं है, इट इज़ ईदर मोर देन वन और लेस देन वन. तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ये वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है x इज एग्जैक्टली x इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स x इज एग्जैक्टली माइनस वन. लेकिन यहाँ पे x इज नॉट एग्जैक्टली माइनस वन, यहाँ पे नॉट इक्वल टू वन लिखा हुआ है, मतलब ये माइनस वन से या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है. दैट मीन्स इस लिमिट एफ एक्स में मैं इस फंक्शन को डालूंगा, जबकि f माइनस वन, एफ माइनस वन का मतलब है यहाँ पे मैंने x को एग्जैक्टली माइनस वन डाला है और x एग्जैक्टली माइनस वन का मतलब है ये कंडीशन, दैट मीन्स k. तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस वन, मेरे पास कंडीशन है सॉरी फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू k. ये मुझे मिल गया. अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ. अब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू माइनस वन. अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थ्री वन्स आर थ्री एंड थ्री माइनस वन इज टू, तो वन माइनस थ्री इज माइनस टू. हम इसको लिख सकते हैं x माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू k. एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन एक्स माइनस थ्री मस्ट बी इक्वल टू k. अब टेकिंग लिमिट हम यहाँ पे करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस वन माइनस थ्री इक्वल्स टू k और k इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो थ्री प्लस वन हो गया माइनस फोर. ये हमें k की वैल्यू मिल गई. देयरफॉर फॉर k इक्वल्स टू माइनस फोर ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल.
आपको बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3, हमें फंक्शन दिया हुआ है व्हेन एक्स इज नॉट 3 ये वैल्यू, व्हेन एक्स इज 3 ये वैल्यू। हम दोबारा वही कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस लिमिट x is tending to 3, fx must be equal to f3। ये हमने लिख लिया। इसके बाद मैं देखूंगा fx, जब x is tending to 3 मतलब it is not exactly 3, वो 3 से आगे होगा नहीं तो 3 के पीछे होगा, that means this, और f3 का मतलब x is exactly 3, that means this। तो मैं लिख लूंगा इसको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा और लिमिट x is tending to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। हम इस वैल्यू को डाल देंगे क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 3 का मतलब या तो वो 3 से ज़्यादा है या तो 3 से कम है। मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू के, क्योंकि एफ 3 की वैल्यू के है। देखो जब इक्वल टू दिया होता दिस इज़ बेसिकली एफ ऑफ दैट वैल्यू, मतलब जैसे एक्स इक्वल टू 3 है तो ये बेसिकली एफ 3 की वैल्यू आपको दी हुई है। अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5 दिया होता तो ये एफ 5 की वैल्यू है, एंड सो ऑन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब हम उसको लिख लेंगे लिमिट x is tending to 3 x square माइनस 9 को हम x square माइनस 3 square भी लिख सकते हैं, विच इज a square माइनस b square, a प्लस b एंड a माइनस b। दिस गेट्स कैंसल्ड, हमें मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 इक्वल्स टू k, इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट जब करेंगे इसमें x की लिमिट डालेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 3 इक्वल्स टू k और k इक्वल्स टू 6। देयरफॉर जब k की वैल्यू 6 होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें हमको बोला हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। जब एक्स 0 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब मतलब के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। हम दोबारा वही कंडीशन लगाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमें x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। हमको ये बात यहाँ से भी पता चल जाएगी, देखो इसमें कॉमन क्या है, 0 है, दैट मीन्स मुझे 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ 0। अभी हमने समझा था एफ 0 जो इक्वल टू 0 होता है वो एफ 0 की वैल्यू होती है या f की वैल्यू होती है, तो ये हमें k मिल गया। एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब x 0 नहीं होना चाहिए, 0 से आगे या 0 से पीछे होना चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा लिमिट x is tending to 0 2 sin square x upon 2x square must be equal to k, 2 से 2 cancel, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x is tending to 0 sin x upon x का हम whole square भी लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होता है 1, तो हम लिख लेंगे और 1 इक्वल्स टू k, तो ये हमें आंसर मिल गया कि देयरफॉर k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए जब ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, आपको यहाँ पे बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। एफ एक्स आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट 0 एंड 1 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0।
दोबारा हम वही चीज़ लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ज़ीरो। एफ एक्स में ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हमने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी और एफ ज़ीरो हमारा हो गया वन। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मुझे इस लिमिट को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो साइन के एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज़ ऑलवेज वन, ये टर्म और ये टर्म हमेशा मैच करने चाहिए तब ये वन बनता है। अब यहाँ पे के एक्स है तो यहाँ पे मुझे के एक्स चाहिए तभी ये वन बन पाएगा, तो मैं यहाँ पे के लगा देता हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे के लगाया है मुझे के ऊपर लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इतना पोर्शन जो है ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया, क्योंकि देखो ऊपर भी के एक्स नीचे भी के एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा वन। जब मैं लिमिट लूँगा ये वाला पोर्शन वन बन जाएगा, मेरे पास सिर्फ के बचेगा और साथ में स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन। तो जब मैं इसका लिमिट लूँगा मेरे को के स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, इन टू दिस टर्म इज वन स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज ये होल स्क्वायर है, मैं इस के को स्क्वायर करके बाहर ले आता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये बच गया। अब जब मैं लिमिट लूँगा तो ये पूरा टर्म जो है वन बन गया, तो मेरे पास के स्क्वायर इंटू वन स्क्वायर, वन स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज़ इक्वल टू वन। अब के स्क्वायर की वैल्यू वन है, के स्क्वायर की वैल्यू वन है, दैट मीन्स के मस्ट बी इधर प्लस वन और माइनस वन। तो ये हमारा आंसर आ गया कि के की वैल्यू यहाँ पे देखो स्क्वायर इज इक्वल टू वन मिला है, दैट मीन्स हम प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, देयरफॉर के की वैल्यू या तो प्लस वन होगी या तो माइनस वन होगी, जब ये फंक्शन क्या बन जाएगा कंटिन्यूस। इसी में ही हम एक नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था ना उसमें हमें x नॉट इक्वल टू समथिंग और x इक्वल टू समथिंग मिलता था, लेकिन यहाँ पे x लेस देन टू ग्रेटर देन टू इक्वल टू टू, हमें ये तीनों केसेस मतलब लेस देन अलग कर दिया, ग्रेटर देन अलग कर दिया और इक्वल टू भी अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूटी का जो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए, ये वाले कंडीशन को यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, या फिर मुझे चेक कर के की वैल्यू निकालनी है जब ये फंक्शन क्या हो कंटिन्यूस हो, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करता हूँ। लेफ्ट हैंड हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, मुझे लिमिट कहाँ पे निकालनी है टू पे, तो मैं क्या करूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू। अब क्योंकि लेफ्ट बोला है टू का लेफ्ट मतलब टू माइनस टू से थोड़ा कम, अब टू से थोड़ा कम ये वाला आएगा ये वाला आएगा ये वाला आएगा, ये तो एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू टू के लिए है आउट ऑफ द पिक्चर, टू से कम बोला है आउट ऑफ द पिक्चर क्योंकि ये टू से ज़्यादा के लिए है, देयरफॉर ये तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टू एक्स माइनस वन। अब इसमें कुछ कैंसिल वगैरह कुछ होना नहीं है, फैक्टराइज या रैशलाइज कुछ भी नहीं होना, मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू पुट कर देता हूँ, टेकिंग लिमिट टू टू ज़ा फोर माइनस वन दैट इज़ थ्री, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे थ्री मिल गया। मैं राइट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करता हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस टू से थोड़ा सा आगे, टू से थोड़ा सा आगे मतलब ये वाला फंक्शन लग जाएगा विच इज़ नथिंग बट एक्स प्लस वन। नाउ इफ आई टेक लिमिट ये हो जाएगा टू प्लस वन विच इज़ अगेन थ्री, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली इक्वल मिल गए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
इसका ये मतलब हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए हमें एक ही कंडीशन चेक करनी होती है, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल। अब मुझे क्या करना है, फॉर कंटिन्यूस दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ टू। अब जब एफ टू होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, के होगी। दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू के, दैट मीन्स के मस्ट बी इक्वल टू, लेफ्ट और राइट लिमिट मुझे कितना मिला था, थ्री मिला था, देयरफॉर के मस्ट बी इक्वल टू थ्री। दिस इज माई आंसर। तो के की वैल्यू थ्री होनी चाहिए फॉर दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूस। अब इसमें हमें देखो यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट हैंड क्वेश्चन आता है, कई बार स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और उसको एफ टू के इक्वल रख दें तो क्या बात नहीं बनेगी। हाँ देखो, मुझे मालूम है ये कंटिन्यूस है तो ये दोनों इक्वल आने हैं, ये जितना मिलेगा ये भी एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा, बट स्टिल हमें निकाल के उसे चेक ज़रूर करना होता है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर हम उसको कभी भी कंटिन्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ज़रूर चेक करनी होती है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या करना, आपको लेफ्ट राइट लिमिट जो है निकालनी है। ओके एक एग्जांपल हम और देखेंगे। इसमें आपको बोला है कि इफ़ फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3ax + b व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, 11 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 1 एंड 5ax - 2b व्हेन एक्स इज़ लेस देन 1 इज़ कंटिन्यूस एट। मुझे इनसे ही पता चल जाएगा कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है, 1 पे। ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो है हमेशा मैच करेंगी, तो x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मुझे ये a और ये b जो ये दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे भी हम बेसिक डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट, तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्यूएट करेंगे। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, विच इज़ नथिंग बट x से लेस, 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा, 1 से छोटा थर्ड कंडीशन। तो हम इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 5ax - 2b, ये हमें मिल गया। मैं यहाँ पे x की लिमिट 1 जब पुट करूँगा ये हो जाएगा 5a * 1 विच इज़ 5a एंड 2b, ये मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, हम लिखेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा आगे फर्स्ट वन, हम लिख लेंगे 3ax + b। अब x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3a * 1 विच इज 3a एंड b एज इट इज, तो ये हमें राइट हैंड लिमिट मिल गया। तीसरी चीज़ हमें निकालनी है f ऑफ 1 व्हेन x इज एग्जैक्टली 1, हमें मिल गया ये 11। नाउ फॉर fx to be कंटिन्यूस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f1, ये तीनों मुझे इक्वल मिलना चाहिए। तो मैं वो कंडीशन लगाता हूँ, ऊपर से इसको रब कर देते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 5a - 2b इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज 3a + b इज इक्वल टू f1 विच इज 11। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 11 के इक्वल डाल देते हैं। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी 5a - 2b इक्वल्स टू 11। फिर मैं इसको 11 के इक्वल डालता हूँ तो मुझे 3a + b इक्वल्स टू 11 मिल जाएगा। ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गए हमारे। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ पे 2 लाना है
तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इनटू टू करता हूँ. टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, टू एलेवन ज़ा 22. इसको एज इट इज़ इसके नीचे लिख लेता हूँ. अब जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा, ये टर्म कैंसिल, 6 and 5 इज 11, दिस बिकम्स 33. तो ए इक्वल्स टू 33/11 विच इज 3. ए मुझे मिल गया. अब मैं ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके बी निकाल लेता हूँ. सपोज मैंने इसमें पुट कर दिया द फर्स्ट वन, ये हो गया 5 into, इंस्टेड ऑफ ए मैं लिख लूँगा 3, -2b मस्ट बी इक्वल टू 11. हमें मिल जाएगा 5 3 15, -2b इक्वल्स टू 11. 15 यहाँ आ जाएगा, -2b इक्वल्स टू 11 -15, दैट इज -4, -2b. माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू 4/2 एंड दैट इज 2. देयरफॉर हमारा a जो है वो 3 हो गया, b जो है वो 2 हो गया, एंड दैट इज़ माई आंसर.